जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह फाउंडेशन का, कासिम अली शाह साहब का टू इनवाइट इनेबलर्स। एक तहरीक बन चुकी है, अब ये एक तहरीक का नाम है, मैं इसको अब कोई कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहूँगा। ये एक ऐसी तहरीक बन चुकी है जिस में लोगों ने एक होप और ऑनलाइन अर्निंग की तलाश ढूंढी। आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले एक तहरीक का आगाज़ हुआ, जिसमें इस नियत के साथ हमने स्टार्ट किया और इस दुआ के साथ स्टार्ट किया कि जो इशफाक अहमद साहब की बड़ी पावरफुल दुआ है कि या अल्लाह मेरे लिए सानिया फैलाने की तौफीक अता फरमा, जो कि बहुत पावरफुल दुआ थी, ना कि सिर्फ मेरे लिए सानिया पैदा फरमा। तो ये इस माइंडसेट के साथ हमने इस काफ़िले का आगाज़ किया और लोगों को ये बताना शुरू किया कि जी आप ई कॉमर्स से भी अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, आप लोग भी घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं और भी एक दुनिया है जो कि आप जिसको सीख सकते हैं। फीमेल्स घर बैठकर काम कर सकती हैं, मेल्स घर बैठकर काम कर सकती हैं, पैसे नहीं हैं तो क्या करना है, पैसे हैं तो क्या करना है। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जो कि पूरी दुनिया जिसको देखना शुरू कर गई, जिसमें एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर दी जो कि इन्वेस्टर्स और स्किल प्रोवाइडर को एक साथ जोड़ने लग गए कि जिसके पास पैसे हैं वो बिजनेस करना चाहता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो स्किल सीख कर, इन दोनों को जोड़ा और एक पार्टनरशिप कल्चर का नाम दिया और लोग जो है इससे अर्निंग करना शुरू हो गए। और ये एक ऐसा सिलसिला चला कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये फैलना शुरू हो गया और लोग जो हैं इससे जुड़ते चले गए। और आज 2022 में हमने देखा कि इनेबलर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 32 शहरों में मौजूद है और इनेबलर्स के स्टूडेंट्स इस वक्त $108 मिलियन जनरेट कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इनेबलर्स का मकसद था कि लोगों, हमारी कामयाबी जुड़ी थी लोगों से और लोगों की कामयाबी जुड़ी थी कि वो अर्निंग कर सकें, एक अच्छा इंसान बन सकें, अच्छा मुसलमान बन सकें। तो उनकी ग्रूमिंग भी की, पर्सनैलिटी को भी डेवलप किया कि एक बच्चा कामयाब है तो वो कामयाबी को अपने तक नहीं रखे, वो आगे भी उसको लेकर चले। तो ये माइंडसेट के साथ हमने इसको स्टार्ट किया और कासिम अली शाह साहब और कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन का इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल है कि इस मैसेज को जिस तरह से उन्होंने हमारे साथ एक कोलैबोरेशंस के साथ जिस तरह से फैलाया, वो एक बहुत ही मैस लेवल पे गए। तो प्लीज़ आप शाह साहब के लिए मेरी तरफ से क्लैप कीजिए कि उन्होंने इसके लिए किया। अब शाह साहब ने हमारी सक्सेस स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करना शुरू किया, लोगों को सक्सेस दिखाना शुरू की कि भाई आप अगर सक्सेसफुल हैं तो ये सक्सेस सिर्फ आप तक ना रहे, और लोगों को भी सक्सेस दिखानी शुरू की और हज़ारों सक्सेस स्टोरीज रिकॉर्ड की। तो मकसद था कि पाकिस्तान में हम क्या देखते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त हम देखते हैं कि 5 से 6 लाख लोग एक साल में डिग्रीज करते हैं और उसमें से HEC कहती है कि 1.5 to 2% ऑफ पीपल जॉब ले पाते हैं। तो ये क्या लोग थे? ये लोग थे हाथ फैलाने वाले, जॉब लेने वाले। तो इनेबलर्स ने ये सोचा कि हाथ देने वाले भी बनाने चाहिए, इंटरप्रेन्योर्स बनाने चाहिए, ताकि आप घर बैठकर ख़ुद भी कामयाब हैं और आगे भी लोगों को कामयाब कर सकें। और घर में फीमेल्स जो कि एक बहुत तादाद में मौजूद हैं, वो घर बैठकर कैसे काम कर सकती हैं? मतलब हम लोग, मकसद क्या होता है कि घर में एक बंदा कमा रहा है, वही सारे जो घर वाले हैं उसी पे रिलायबल है, रिलाय कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं। सो ये माइंडसेट चेंज किया। अब आप में से अगर कोई चाहता है कि मैं अर्निंग करना चाहता हूँ, कितने लोग चाहते हैं वो अर्निंग करना चाहते हैं ऑनलाइन? सो ऑलमोस्ट सारे ही अर्निंग करना चाहते हैं, राइट? सो 80%। देखें, आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ये होना चाहिए, इनेबलर्स की एक वीडियो सीरीज़ है जो कि 200 से ज़्यादा, जिसके अंदर इनकम स्ट्रीम्स हैं, 200 वेज ऑफ मेकिंग इनकम। अगर आप एक चीज़ में अच्छे नहीं हैं तो दूसरी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं, और 199 मज़ीद चीज़ें अगर एक चीज़ में नहीं अच्छे।
तो वो 200 EVS एक्सेस हमसे आप लें फ्री में, जिसको हम 2,40,000 लोगों को फ्री दे चुके हैं पाकिस्तान में। तो आप भी, और ये कि अगर हम इसको सेल करें तो ये बहुत बड़ी मालियत बनती है, एक 30,000 की इसकी वैल्यू है जो कि हम लोगों को फ्री में देते हैं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। अब एक बच्चा कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, हम कहते हैं अच्छा आप पेपर पे लिखें कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, साइन कर दें, हम आपकी बात का यकीन करेंगे। तो अगर आपने झूठ बोल के ये स्किल सीखे तो आप कामयाबी नहीं होंगे। तो इस माइंड सेट के साथ कि लोग साइन करके ही सिर्फ दे दें कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, तो ये तकरीबन लाखों लोगों को दी, वो आपने लेना है। पहला स्टेप ये आपके लिए, उसके बाद सीखने के बाद उसमें स्किल देखेंगे कि मैं कहाँ हूँ। देखें जब हीरा जो होता है वो कोयले की कान में ही होता है ना, उसको तो नहीं पता वो हीरा है जब तक उसको तराशा ना जाए। तो आपको नहीं पता कि अभी आप किस चीज़ में अच्छे हैं। तो आपको 200 स्किल्स दिए जा चुके हैं, आपने देखना है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। उसके बाद आपको क्या आता है, क्वेश्चन आता है कोई कि यार अब मैं किससे पूछूँ। तो अनेबलर्स के इस वक्त 32 ऑफिस हैं, उन 32 ऑफिस में आप 2 बजे फ्री आ सकते हैं किसी भी टाइम, 2 बजे किसी भी दिन, मंडे टू सैटरडे 2 बजे तशरीफ़ लाएं और कोई क्वेश्चन पूछें, आपको वहाँ पे आंसर किया जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप हमारे स्टूडेंट्स हैं या क्या हैं या क्या नहीं, आपको वहाँ पे आंसर किया जाएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। उसके बाद आप समझते हैं जी मुझे रात को 9 बजे भी एक क्वेश्चन आ रहा है जहन में, तो अब मैं क्या करूँ, वो तो 2 बजे अगले दिन, मैं अभी इसका आंसर चाहता हूँ फ़ौरन। तो हमारा एक ग्रुप है ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 12 लाख लोग हैं, राइट 12 लाख लोग पाकिस्तान से ओवरसीज उस, और हमने वो टीम हायर की हुई है कि जो बंदा एक सवाल पूछेगा उसको 60 सेकंड में आंसर किया जाएगा, जो भी आप जो पूछें। ये आप आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रात को 9 बजे क्या, रात को 2 बजे भी, 3 बजे भी सवाल आ रहा है तो भी आप अगर मैसेज कर रहे हैं और आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इन सब के बाद भी आप कामयाब नहीं होते तो फिर वो शायद आपके लिए ये डॉक्टर बनना ही नहीं था, अगर आपको फिर भी समझ ना ये क्या था, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये कि मकसद है कि अब कामयाबी जो है, अगर कोई सीखना चाहता है वो कामयाबी सिर्फ उसको, उसकी कामयाबी सिर्फ वो खुद है कि वो मैं खुद वो उसका ज़िम्मेदार है कि अगर वो नहीं अचीव कर पाता। तो ये है कि प्लेटफॉर्म्स दिए जा चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं कि कल्चर क्रिएट हो चुका है एंटरप्रेन्योरशिप का, एक ऐसे माइंडसेट के साथ लोग अब जो हमारी यूथ है वो आगे जा रही है। आप अगर इस पर काम कर रहे हैं ई कॉमर्स पे तो टैक्स 0 है। पहले क्या होता था कि 2% होता था नॉन फाइलर पे, 1% होता था फाइलर पे, अब क्या है 0, 1 रुपया नहीं, जितने पैसे हैं वो आपके हैं। तो अब दुनिया की बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं, अमेज़ॉन जिसको हम, जिसके हम मास्टर्स हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, जिसकी इस वक्त डेली की सेल है, कितनी सेल है, $4.5 बिलियन डेली की, एक दिन की $4.5 बिलियन। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्या है इस वक्त साल की, $30 बिलियन। तो 6 दिन की सेल अमेज़ॉन की पाकिस्तान की साल की एक्सपोर्ट के बराबर। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड जी कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आपने देखना है कि आपने इसका फ़ायदा कैसे उठाना है और किस तरह से इनेबलर्स की फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है, ये जो भी आपको प्लेटफॉर्म्स नज़र आते हैं उनको यूज़ करके मैंने किस तरह से आगे बढ़ना, अपना वाई कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये सारे माइंडसेट, ये सारा कुछ आपको तैयार किया जाता है और इसमें आपको देखा जाता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। पता चल गया, अब जिन्होंने हाथ खड़े किए थे उनको पता चल गया क्या करना है, किसी को अभी तक नहीं पता चला, सबको पता है अब क्या करना है, राइट। अब ये देखें कि अपनी, लास्टली आई विल से कि अपनी वैल्यू पे काम कर रहे हैं अब इन चीज़ों को सीख कर। एक छोटा सा वाक्या मैंने सुना जिसमें एक बच्चा कंप्लेन कर रहा होता है कि जी मुझे मेरी जो जॉब वाले हैं वो 20-30 हज़ार रुपया पर मंथ सैलरी देते हैं, राइट।
तो वो अगला बंदा जिसको बता रहा होता है वो कहता है जी कि अच्छा पूरी बात क्या है, कहता है मैंने आपको पूरी बात ही तो बताई है कि मुझे मेरी जॉब से 30,000 रुपया सैलरी मिलती है तो मेरा गुजारा नहीं होता। कहता है अच्छा पूरी बात क्या है, मुझे पूरी बात नहीं पता। तो पूरी बात कहता है इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ कि मेरा गुजारा नहीं है 30,000 में। तो पूरी बात ये थी, वो कहता है जी पूरी बात ये है कि आपकी वैल्यू 30,000 की है, आपकी कंपनी 2 लाख भी देती है किसी को, किसी को 1 लाख भी देती है, किसी को 5 लाख भी देती है, ये आपकी वैल्यू है कि आपको 30,000 देती है क्योंकि आप 30,000 के काबिल हैं। तो अपनी वैल्यू को क्रिएट करें, एक चीज़ सीखें, उसके मास्टर बन जाएं, ना कि 1500 चीज़ों को देख लें और पता ही ना चले। अपने विजन पे काम कीजिए, जो जॉब्स करते हैं उनका विजन ऑब्वियसली हमें क्लियरली पता है कि साल बाद उनको इंक्रीमेंट मिलना है, दैट्स अ विजन। तो एक पैसिव इनकम की तरफ आएँ और अपने काम की तरफ आएँ और ये देखें कि मैं कामयाब होकर आगे कैसे लोगों को रोज़गार। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर कमिंग एंड बहुत शुक्रिया शाह साहब का।